हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द अंजू टॉक्स। आज हम देखेंगे हम घर में ही आंवला की चटनी कैसे बना सकते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम आंवला लिए हैं। आंवला हमें बिगर साइज़ के लेने हैं और फ्रेश लेने हैं। अब इनको हम छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। जैसे ही आंवला का सीज़न आता है, हम चाहते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम कंज्यूम कर सकें, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करवा सकें। तो चटनी बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, तो इसको हम फटाफट से बनाएं और बच्चों को रोटी परांठे के साथ किसी भी चीज़ के साथ दे सकते हैं आराम से। अब इसके लिए मैंने छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। और अब इसके लिए धनिया लेना है हमें, धनिया पत्ती कम ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं। एक टीस्पून मैंने जीरा लिया है, 2 टीस्पून मैंने अमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च क्रश किए हुए, 1 टीस्पून वाइट सॉल्ट, 1/2 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट काला नमक। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने ले लिए हैं। आंवला में अगर हम अमचूर का यूज़ करते हैं ना, तो इसका कसैलापन काफ़ी कम हो जाता है। अमचूर हमें अच्छी सी क्वांटिटी में यूज़ कर लेना चाहिए। अब इन सभी को मैं ग्राइंडर जार में शिफ्ट कर रही हूँ। इसकी एक्चुअली हमें क्या चटनी मतलब पीसनी है, इसको ग्राइंड करना है। इन सभी को मैंने जार में शिफ्ट किया और थोड़ा पानी भी ऐड कर देंगे। बस हमने इसको एक बार ही ग्राइंड किया, ये थोड़ी दरदरी हो गई है। अब इसमें हम 1 इंच का टुकड़ा अराउंड अदरक ऐड करने वाले हैं और 2 ग्रीन चिली तीखी वाली। इससे क्या तीखापन बहुत अच्छा आएगा। और अब इनको डाल करके थोड़ा पानी और डाल करके इसको दोबारा से ग्राइंड करेंगे और चटनी इसको पीस लेंगे अच्छे से। ये देखिए कितना अच्छा कलर हमारी चटनी का आया है ना, कितनी अच्छी हमारी ग्राइंड हुई है चटनी। बस इसको बाउल में शिफ्ट कर रहे हैं और हमारी चटनी रेडी है। इसको किसी भी दाल सब्जी के साथ यूज़ करें, बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। ये है ना कितना इजी आंवला चटनी बनाना। तो घर में खुद बनाएं और बच्चों को भी एंजॉय कराएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।